नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ श्वेता यादव। भारत समाचार के खास प्रोग्राम नक्षत्र में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजू शुक्ला जी, जो आज आपको बताएंगे कैसा रहेगा आपका आज का दिन और क्या है वो खास उपाय जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। भारत समाचार के सभी विज्ञ दर्शकों को आचार्य राजू शुक्ला का प्रणाम। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इस प्रकार से हमारे बात जब करते हैं तो वैदिकार सनातन धर्म में पूर्णता की बात की जाती है। ऐसे ही कुछ तिथियां होती हैं जो पूर्णा तिथि या पूर्ण रूप से जो अंक होते हैं उसके बारे में भी कुछ तिथियाँ होती हैं। जैसे विशेष रूप से अगर देखते हैं तो कुछ तिथियों की बात जब आती है तो उसमें नौमी तिथि, नौ कला, नौ प्रकार से किसी एक चीज़ को एक्सप्लेन करना, बताना या नवम भाव। तो नौमी तिथि का क्या भाव है आज ये जानते हैं। उग्रा तिथि भी बोल सकते हैं। इस तिथि का नाम उग्रा है क्योंकि इसमें कुछ कार्यों में, कुछ सारे में नहीं, कुछ में मना भी है। नौमी कला है तो नौमी कला में अगर अमृतपान मृत्यु के देवता यमराज की भी अगर चंद्रदेव की बात करें तो होती। नौमी तिथि का निर्माण शुक्ल पक्ष में तब होता है जब 97 से 108 डिग्री का असर होता है, इस अंश पे होता है प्रभाव। कृष्ण पक्ष की बात करें तो 277 से 288 डिग्री की बात करेंगे। और इस प्रकार ये तो यानी कि पोजीशन होती है हर तिथियों की, हर जगह देखी जाती है तो ग्रहों के हिसाब से भी। तो इसमें अगर इस तिथि में होते हैं तो जन्म तो माता दुर्गा की पूजा अवश्य करनी चाहिए, बड़ी अच्छी प्रभाव पड़ता है। लेकिन गुरुवार को अगर पड़ती है तो मृत्युदा योग यानी कि इसमें शुभ कार्य वर्जित भी बोल दिए जाते हैं, सिद्धा हो जाती है। शनिवार को यानी समस्त कार्यों की सिद्धि भी होती है। यानी वार के हिसाब से कोई भी तिथि खराब नहीं होती, कोई भी तिथि अच्छी नहीं होती, लेकिन वार के हिसाब से उसका कॉम्बिनेशन जो बनता है और पक्ष के हिसाब से तभी उसकी शुभता या अशुभता का हमको ज्ञान होता है। नवमी तिथि में भगवान शिव जी का पूजन, कृष्ण पक्ष की नवमी में शिव का पूजन करना उत्तम माना गया है। कृष्ण पक्ष की नवमी में शिव का पूजन चैत्र माह में दोनों पड़ने वाली तिथि में एक प्रकार पड़ता है जिसको शून्य भी बोल देते हैं। नवमी तिथि में जातक जो जन्मते हैं वो विद्या में बहुत सारे निपुण होते हैं, कई प्रकार की, यानी एक प्रकार से वो एक बार में कई काम कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, किसी भी प्रकार से प्रयास करते हैं सफल होते हैं, लालसा रहती धन कमाने की भी, और विपरीत लिंग या धन दोनों के महत्वाकांक्षी होते हैं। ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन फिर भी इसके साथ वरिष्ठ जनों का, पिता का, भाई बंधुओं का हमेशा सहयोग का आकांक्षी भी होना चाहिए और सहयोग मिलते भी रहना चाहिए। वरिष्ठ जनों से सहयोग मिले और कठिन कार्य करने की क्षमता इस तिथि में जन्मे हुए लोगों की होती है। तो हिंदू पंचांग के हिसाब से नौमी तिथि में कई प्रकार से बात करते हैं। चंद्रमा की कला है ये नौमी, और इस प्रकार से जो कलाएं होती हैं उन कलाओं को यानी कि एक उन डिग्रीज की बात अगर हम करते हैं तो पूरा हमको भौगोलिक स्थिति पता चलती। तो तिथि का, नक्षत्र का, ग्रहों का हमारे ऊपर असर पड़ता है, उसका प्रभाव पड़ता है। गुरु जी, आप दर्शकों को बताइए आज के 12 राशियों का राशिफल क्या कह रहा है और क्या है वो खास उपाय जो आगे बढ़ने में मदद करेंगे। मेष राशि वालों, आज का दिन अच्छी बात यह है कि सामान्य रहने वाला महत्वपूर्ण कार्यों को लेकिन टालना आज ठीक नहीं है। थोड़ा सा आत्मीयता का माहौल आप बनाए रखें, विशेष रूप से अपने ऑफिस में कुटीर उद्योग है, छोटे स्केल पर काम कर रहे हैं तो व्यापार जमा सकते हैं। युवाओं के लिए सार्थकता हो सकती है, लाल रंग के वस्त्र अवश्य धारण आज आप करें उपाय के तौर पे। शुभ रंग मस्टर्ड, शुभ अंक 14। बात करते हैं वृषभ राशि की। धार्मिक स्थान की यात्रा पे आप प्रस्थान कर सकते हैं, जाग या बात कर सकते हैं, अधिक खर्चे होने से थोड़ा सा परेशानी आप महसूस कर सकते हैं। संपत्ति में किसी में निवेश करना बिल्कुल ना भूलें, आज कर सकते हैं। वाणी में मधुरता रखें, आपके काम जरूर बनेंगे। दोस्तों के साथ बाहर जाएं, एंजॉय कर सकते हैं। सूर्य चालीसा का पाठ करना, सूर्य देव की उपासना करना आज आपके लिए अच्छा है। शुभ रंग लाल, शुभ अंक 14 यानी कंपोजिट नंबर 5। तो वृषभ राशि वालों, 5 का ध्यान रखिए। मिथुन राशि पे आते हैं, घर में कोई शुभ कार्य का आयोजन आपका होता हुआ देखा जा रहा है, लेकिन गुस्से की वजह से, क्रोध की वजह से स्थितियां बदल सकती हैं। उत्सव का वातावरण आप बना सकते हैं, कुछ मेहमानों से भी बात कर सकते हैं, पति पत्नी के बीच में कुछ खट्टे मीठे अनुभव हो सकते हैं। कॉमन है पीले या नारंगी रंग के धागे को हाथ में बांधे, अच्छा दिन जाएगा, पीला रंग शुभ है। शुभांक आज आपके लिए है 20 यानी 2। कर्क राशि,
मिलते समय लोगों से विनम्रता आपको बनाए रखनी है। रूखे या तीखे व्यवहार से लोग क्या करते हैं, बनती बात बिगाड़ देते हैं। नया कोर्स सीखने, नई चीज़, नूतनता लाना चाह रहे हैं अपने जीवन में, तो विशेष रूप से आप आगे बढ़ सकते हैं। ऑफिस में मीटिंग के दौरान आपके कार्यों की प्रशंसा हो सकती है। सर्जरी कराने जा रहे हैं, थोड़ा अलर्ट हो जाइए। लाल या पीले रंग का कपड़ा आज आपको दान करना चाहिए। शुभ अंक 19, शुभ रंग नीला। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों, युवाओं के लिए आज भागदौड़ बनी रहेगी। भागदौड़ वाले काम से बचने का प्रयास बिल्कुल ना करें, उनको मन लगा के पूरा करें, करना ही पड़ेगा। कारोबारी वर्ग आज अनुभव का अपने लाभ ले पाएंगे। किसी छोटी बीमारी के प्रति भी लापरवाही अच्छी नहीं, काले कम्बल का दान कर दीजिए। शुभ अंक 6, शुभ रंग गुलाबी। सिंह राशि वालों के बाद बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि वालों, काम और आराम दोनों में आपको तालमेल बना के बैठना पड़ेगा। एक के चक्कर में दूसरे को बिस्तरा देने की आपकी स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। थोड़ा सा परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है। अपनी लेखन कला को एक नया रूप दीजिए, अपनी अभिव्यक्ति को एक नया रूप दीजिए। पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो ज़रूर सफलता होगी। गाय को गुड़ खिलाएं, रोटी खिलाएं, ज़रूर लाभ होगा। 3 का अंक केसरिया रंग आज आपके लिए अच्छा है, बेहतर है। तुला राशि वालों, स्वास्थ्य के प्रति जरा सी भी लापरवाही अभी ना बरतें। कोई भी बात हो उसको विशेष रूप से अगर हृदय से संबंधित हो, ब्लड से संबंधित हो, जांच करा ले। विवाहित कन्याओं को आज रिश्ता मिलने की पूरी पूरी संभावनाएं दिख रही है। लोहे कारोबार के हिसाब से मुनाफा मिल सकता है, स्टील, लोहा इत्यादि। रक्त समस्या संबंध से अगर कोई हो तो जरूर उसकी चर्चा कर लें, लापरवाही ना बरतें। बात करते हैं क्या करें। अन्नदानम श्रेष्ठ दानम, 3 प्रकार का अन्न करना दान अच्छा रहेगा। फिरोजी रंग शुभ है, 5 का अंक आज आपके लिए बेहतर है। वृश्चिक राशि वालों, घर के बुजुर्गों की बातों को ऐसे ही लाइटली इजीली ना लें, ध्यान से सुने उनकी सलाह, हो सकता है आपके काम की बात और मिलेगी भी। आज टीम वर्क करें, नेतृत्व करने का क्षमता आप में है। युवाओं को नई नौकरी इत्यादि मिलने की योग्यता दिख रही है तो मिलेगा। ओम शुम शुक्राय नमः, ओम शुम शुक्राय नमः, इसका जाप करें। 7 का अंक और आसमानी रंग आज बेहतर है। अब हम बात करेंगे धनुराशि की। अत्यधिक भरोसा किसी पर भी आज करने से बचें। आपका भरोसा इत्यादि या कोई भी वादा खिलाफी हो सकती है। ऑफिस की गुप्त बातें या घर की अपने गुप्त बातें किसी और के सामने शेयर ना करें, उसका आगे वो लाभ आज की कही हुई बात का उठा सकता है। किन्हीं कारणों से घर के और लोग भी नाराज हो सकते हैं। दूध के पदार्थों का दान करना आज आपके लिए शुभता का परिचायक है। शुभ अंक 1, शुभ रंग ग्रे यानी सिलेटी। अब हम बात करेंगे मकर राशि की। किसी से सहयोग मिल जाएगा, मित्र से सहयोग मिल जाएगा, निवेश हो सकता है, मानसिकता का कुछ ग्राफ, शांति का ग्राफ बढ़ सकता है, तो परेशान ना हो, हंसी खुशी का माहौल बनाए रखें क्योंकि यह आपके हाथ में है उस ग्राफ को बढ़ाना। सफ़ेद मिष्ठान का वितरण करें जहां तक संभव हो। शुभ अंक 8, शुभ रंग ऑरेंज। अब हम बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों, छुपे हुए शत्रु कुछ परेशानी का कारण बन सकते हैं जो सामने नहीं आएंगे। लोग के बारे में इन जनरल अपनी राय देने के बारे में सोच समझ के बोले। ऑफिस या फील्ड के काम को पूरा करने की जिम्मेदारी आपकी हो सकती है। नया व्यापारिक संबंध आप स्थापित जरूर कर सकते हैं। योजनाएं सफल होंगी। क्रोध पर भी आपको संयम बनाए रखना है। अपने इष्ट देव को नमन करें, आपको जरूर लाभ होगा। 8 का अंक और गहरा नीला आपके लिए बहुत अच्छा प्रभाव देगा। मीन राशि वालों, नकारात्मक विचारों को बिल्कुल भी अपने पास भटकने ना दें क्योंकि पॉजिटिविटी यानी सकारात्मक ही आपके सच्चे मित्र हैं। क्रिएटिव काम करें, सफलता आपके कदम जरूर आपके कदम चूमेगी। आपको क्या करना चाहिए, माता पिता और गुरु इनको जरूर कुछ ना कुछ आज देना चाहिए और इसी के साथ ही पीले रंग का प्रभाव भी आपको जरूर अच्छा लाभ देगा। तो आप अपने माता पिता का और गुरु का आशीर्वाद लें। गुरुजी, आप दर्शकों को बताइए आज का पंचांग क्या कह रहा है, दिन में कौन सा समय रहेगा शुभ और किस समय रहेगा राहु काल। दिनांक 1 नवंबर 2022, अष्टमी तिथि का मान लगा है। श्रवण नक्षत्र कार्तिक मास शुक्ल पक्ष दिन मंगलवार। शुभ समय 11:42 से 12:26, राहु काल 2:50 से 4:13 तक सिद्ध है।
तो आज आपने जाना कैसा रहेगा आपका आज का दिन और क्या है वो खास उपाय जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए आप गुरुजी को कांटेक्ट भी कर सकते हैं 800-40-36-524 पर। ये उनका व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप टेक्स्ट मैसेज कर अपने सवालों के जवाब भी पा सकते हैं। और साथ ही गुरुजी की ईमेल आईडी है rajivshuklaonline@gmail.com। आज के नक्षत्र में बस इतना ही, कल फिर आप सभी से मुलाकात होगी विशेष जानकारी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए भारत समाचार। नमस्कार।